शाह की दहाड़, अमित शाह की दहाड़ माटी बेटी रोटी के बचाव को लेकर पुकार। झारखंडियों से आग्रह कर रहे हैं अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, बीजेपी की सरकार आती है तो कई मायनों में झारखंडियों को फायदा होने वाला है। जो सबसे बड़ा फायदा दिखेगा वो ये दिखेगा कि सीमाओं पर चौकसी मजबूत करनी है, घुसपैठ को रोकना है, भ्रष्टाचार पर वार होगा और गोगो दीदी योजना से माओं बहनों को, माताओं को, बहनों को जो पैसे मिलने हैं 2100 रुपए वो तो मिलेंगे ही। रोजगार का वादा है बेरोजगारों से, 5 लाख रोजगार का वादा है, 2,87,000 रिक्तियों को भरने का वादा है और ये भी आश्वासन है कि 5 साल के अंदर अंदर फिर वापस आऊंगा और झारखंड की जनता को हिसाब दूंगा कि कितने रोजगार अभी तक दे पाया हूं। देखिए ये ग्राफिक्स, ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। पांच साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार, 2,87,500 सरकारी पद पर पारदर्शी भर्ती की बात, युवाओं को हर महीने 2,000 बेरोजगारी भत्ता, 21 लाख पीएम आवास देने का वादा, पारदर्शी परीक्षा और परीक्षा माफियाओं पर कार्रवाई की बात, घुसपैठ रोकना और दान में ली गई जमीन आदिवासियों को वापस होगी, विस्थापन से पहले पुनर्वास और पुनर्वास आयोग का गठन, यूसीसी आएगा तो आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। यह बड़ा बयान है, गठबंधन की सरकार के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का दावा, धान खरीद एमएसपी 3100 रुपए प्रति क्विंटल 24 घंटे में भुगतान, यह भी एक बड़ा बयान है, ओबीसी को 27% आरक्षण देने का भी वादा है, उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का लोन, ब्याज सरकार भरेगी लोन का, सहारा के वह जमाकर्ताओं को उनका पाई पाई वापस लौटाया जाएगा। बहनों, झारखंड का यह चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का यह चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगारों का हम सृजन करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। झारखंड के युवाओं, आप इसको हेमंत का वादा मत कहना, 5 वर्ष पूरा होने के पहले मैं खुद आऊंगा और 5 लाख रोजगार का हिसाब झारखंड की जनता के बीच में देकर जाऊंगा। 2,87,500 करीब करीब 3 लाख सरकारी पद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इसकी भर्ती की जाएंगी और इसका परीक्षा का एक समेकित वार्षिक कैलेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जारी करेगी और हर साल, जैसे मैंने 5 लाख कहा, हर साल 1 लाख झारखंडी युवा को हम रोजगारी के अवसर प्रदान करेंगे। हम झारखंड में हर स्नातक और स्नातक उत्तर युवा जो अपने कैरियर बनाने के लिए संघर्षरत है उसको हर महीने 2,000 रुपया युवा साथी भत्ता देंगे। माताओं बहनों के लिए गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दीपावली और रक्षाबंधन में एक एक गैस का सिलेंडर फ्री देंगे
और 500 रुपये की उच्चतम कीमत पर गैस का सिलेंडर बहनों को दिया जाएगा, किसी को ज्यादा पैसा देंगे। मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक सम्मान देने का काम, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर करा। केंद्र सरकार की सभी शिक्षा की प्रणालियों में पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण सुनिश्चित कर पिछड़ा वर्ग को सम्मान देने का काम किया और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए अनेक सारी योजनाएं। अमित शाह को आपने सुना, झारखंड के चुनाव में, झारखंड के दंगल में शाह की एंट्री हो गई है। एंट्री हमलावर है, तेवर आक्रामक है, घुसपैठियों को बाहर निकालना है, उल्टा करके सीधा करेंगे, कई सारे बयान जो बहुत कम अमित शाह की जुबान से सुनने को मिलते हैं। तेवर उतने आक्रामक हो गए हैं, सीधे सीधे घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप सरकार पर है। एक जो सबसे अहम बात कही है उन्होंने, 84,000 रुपए 2005 से 2014 तक झारखंड को मिले हैं। झारखंड को केंद्र सरकार से 84,000 करोड़ रुपए मिले हैं। वर्तमान में 2014 से 24 तक 3,20,000 करोड़ से ऊपर की राशि बता रहे हैं कि झारखंड को मिला है। अब यहां आप देखिए कि एक तरफ यह भ्रम है कि 1,36,000 करोड़ हमारा बकाया है जो नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ 10 सालों में झारखंड को केंद्र की सरकार से 14 से 24 तक 3,20,000 करोड़ से ज्यादा राशि मिली है, जबकि 2005 से 2014 तक महज 84,000 करोड़ की बात है। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसका भी आकलन हो रहा है, लेकिन फिलहाल आपको दिखाते हैं कि शाह की एंट्री से कोल्हान का दंगल कितना रोचक। के चुनावी दंगल में शाह की एंट्री। तो भैया ऐसी आवाज नहीं चलेगी, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। घाटशिला से हेमंत सरकार को ललकार। भाइयों बहनों, मुझे बताओ इतनी बड़ी सभा में आप सभी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ कभी देखा है क्या? सत्ता नहीं परिवर्तन के लिए चुनाव। अरे हेमंत बाबू, भारतीय जनता पार्टी आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन। झारखंड के चुनावी दंगल में बीजेपी ने अपने सारे सुरमाओं को उतार दिया है। पीएम मोदी की एंट्री से पहले रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। घाटशिला की धरती से हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला और जनजाति विरोधी करार दिया। एक और कमंडिया गठबंधन है, कांग्रेस लालू और जेएमयू का, जिनका काम है घुसपैठियों को बचाना, और एक और भारतीय जनता पार्टी है जिनका काम है आदिवासी और पिछड़ों की रोटी बेटी और भूमि को बचाना। भाइयों बहनों, हम संथाल की संस्कृति का सम्मान करते सभी आदिवासी भाषाओं को और कुड़माली को हम राज्य में शिक्षा में स्टेटस देने का काम किया है। हमने घोषणा पत्र में कहा है कि कुड़माली और सारी आदिवासी भाषाओं को राज्य की शिक्षा में हम दर्जा देंगे। अमित शाह ने कहा कि झारखंड में परिवर्तन लाकर माटी बेटी और रोटी को बचाना है। आदिवासियों की रक्षा बीजेपी ही कर सकती है। आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए कड़ा कानून बनाएंगे, कोई उनकी जमीन नहीं छीन पाएगा। अगर किसी ने उनकी जमीन छीन ली है तो उसे वापस दिलाएंगे। राज्य में UCC आएगा और आदिवासी इससे बाहर रखे जाएंगे। चंपाई सोरेन जी ने विरोध किया, मैं आज कहने आया हूँ संथाल परगना कोल्हान और पूरे झारखंड के अंदर आदिवासियों की आबादी घट रही है। कारण क्या है? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बांग्लादेशी घुसपैठिए
जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ये हेमंत सोरेन सरकार रोक सकती है क्या? उन्होंने तो हाई कोर्ट में हलफनामा डाल कर कह दिया कि हम रोकना नहीं चाहते हैं। सभा में शाह के साथ पूर्व सीएम चंपाई सोरेन भी मौजूद रहे। चंपाई के बेटे बाबूलाल सोरेन के लिए वोट मांगते हुए शाह ने कहा कि चंपाई ने झारखंड की बदलती डेमोग्राफी और लूटपाट का विरोध किया तो उन्हें बेइज्जत करके सीएम की कुर्सी से हटा दिया। हेमंत सोरेन ने हमारे चंपाई सोरेन का अपमान किया, करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में वो जेल में गए। 21 साल के बाद चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया और आधे से भी उठाकर वापस कर दिया। मुझे बताओ भाई, ये ठीक किया क्या? अरे जोर से बोलो, ठीक किया क्या? आदिवासियों का अपमान कौन कर रहा है बताओ मुझे? अरे मोदी जी ने तो हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया है। देश का पहली बार 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को हमने आदिवासी गौरव दिन मनाया और भगवान बिरसा मुंडा की याद में इस 15 नवंबर से 150वीं जयंती के आधार पर आदिवासी गौरव वर्ष बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। इधर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए चंपाई सोरेन ने एक बार फिर राज्य की गठबंधन सरकार को निशाने पर लिया, खासकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। लेकिन आज भारत आजाद होने के बाद आदिवासियों का सम्मान था, 1951 तक ये कांग्रेस आदिवासी का अस्तित्व, आदिवासी का धर्म का कोड को मिटाने का 1961 में कर दिया है। इसलिए आज कोई भी झारखंड में कांग्रेस के साथ अगर मिला हुआ है, कभी झारखंड का आदिवासी का भलाई नहीं हो सकता है, ना मूलवासी का भलाई हो सकता है, ना झारखंड के दलित का भलाई हो सकता है। न्यूज 11 भारत के लिए घाटशिला से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। कई सारी बातें कही हैं, चंपाई सोरेन ने भी कई सारी बातें कही भ्रष्टाचार को लेकर गठबंधन पर निशाना साधा है। एक बार रुक करते हैं, श्रीकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं बरकट्ठा गिरिडीह से, हजारीबाग से माफ कीजिएगा, बरकट्ठा से जुड़ रहे हैं, घाटशिला से मनोज जुड़ रहे हैं और राकेश जुड़ रहे हैं पलामू से हमारे साथ। सबसे पहले श्रीकांत के पास चलते हैं। श्रीकांत, बरकट्ठा में आज अमित शाह की चुनावी सभा, चाचा भतीजे के बीच बरकट्ठा की पूरी राजनीति कहीं ना कहीं सिमटी हुई है। पिछले 10-15 सालों से देखें तो जानकी यादव और अमित यादव के बीच पूरी तरीके से राजनीति सिमट कर रह गई है। कभी चाचा जीत रहे हैं, कभी भतीजा जीत रहे हैं। इस बार किस करवट बैठने वाली है बरकट्ठा की राजनीति? देखिए, बरकट्ठा की राजनीति जो है इस बार जनता बहुत ही अलग मूड मिजाज में है। जनता का कहना है कि पिछले बार जो निर्दलीय थे वो इस बार दल के साथ आ गए हैं और दल बदल की राजनीति जो है वो बरकट्ठा में हावी है। लेकिन इस बार जिस तरीके से आज अमित शाह ने बरकट्ठा से हुंकार भरी है, बरकट्ठा के धरती पर उन्होंने जिस तरीके से जो झारखंड के मुद्दे हैं उन मुद्दों पे तो उन्होंने खुल के बात की ही है, लेकिन जिस तरीके से स्थानीय मुद्दों को भी उन्होंने छुआ है, इसका असर तो क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित तौर से जिस तरीके से जो चार प्रत्याशियों को लेकर वो बरकट्टा के उस गेड़ा हाई स्कूल मैदान में मौजूद थे, जिस तरीके से उन्होंने सरकार पर हमला बोला है, चाहे वो घुसपैठियों के मामले पर हो, लेकिन आज जिस तरीके से वो हमलावर थे, आक्रामक थे, सीधा सीधा उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारी माओं को, जिन्होंने हमारी बहनों के साथ में अत्याचार किया है, भाजपा की सरकार आती है तो हम उन्हें उल्टा टांग के सीधा कर देंगे। तो बयानों में अब तल्खियां सामने आने लगी हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जब 2004 से लेकर 14 तक यूपीए की सरकार थी, उन्होंने
तब उस समय झारखंड के विकास में कितनी भूमिका निभाई और मोदी जी की सरकार जब तक आई है तो हमने कितनी भूमिका निभाई है, सब कुछ कागजों पे मौजूद है। बावजूद इसके कोई आरोप लगाता है तो खुद अपने गिरबान में वो झांक ले कि आखिर भ्रष्टाचार के आरोप से कौन घिरा है। झारखंड में घुसपैठियों को आने की इजाजत इसलिए दी गई है क्योंकि वो वोट बैंक है और एक दल का वोट बैंक है। वोट बैंक की वजह से लोगों को असुरक्षित करने का आरोप उन्होंने सरकार पर लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जहां वो मौजूद है, जिस स्थल से वो भाषण दे रहे हैं, देखिए स्थानीय रोजगार अभिषेक बहुत बड़ा मायने रखता है। राज्य लेवल पर बात अलग होते हैं, लोकसभा पर बात देश की बात, लेकिन जब स्थानीय बात होती है, जब पलायन का दंश झेलते हैं जो लोग रोजगार के लिए दिल्ली, बंबई, पटना, सूरत, गुजरात तक जाते हैं, जब उनको अपने घर से रोजगार बंद हो जाता है तो वो दर्द वही लोग समझ सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जो पत्थर व्यवसाय था, हर कोई जानता है कि कोडरमा में पत्थर व्यवसाय कितना बड़ा व्यवसाय है। उन्होंने कहा कि लगभग 500 करोड़ का पूरा व्यवसाय है, लेकिन इस व्यवसाय पर भी इस सरकार ने ग्रहण लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और सरकार अगर जीत के आती है तो निश्चित तौर से इस व्यवसाय को पुनर्जीवित तो किया जाएगा ही, साथ ही साथ सरकारी तौर पर जिस तरीके से सहूलियत दी जानी चाहिए, उन सारी बातों को भी उन्होंने खुलकर कहा है। और उन्होंने सीधा सीधा हमला सरकार पर बोला है। रोजगार के मामले पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम भत्ता देंगे ग्रेजुएट युवाओं को, बैचलर जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जिस तरीके से झारखंड में 70 वर्ष से अधिक जिनकी उम्र है उनको 5 लाख का इलाज मुफ्त दिया जाएगा, 70 से नीचे वालों को 10 लाख का इलाज, कई सारे संकल्प पत्र की बातें उन्होंने दोहराई है। लेकिन निश्चित तौर से बयान में अब जो गर्माहट है इस ठंड के बीच में, वो राजनीतिक गर्माहट कहीं ना कहीं इस सभा में देखने को मिली है। बिल्कुल श्रीकांत, मैं वही आपसे कह रहा था कि जो राजनीति में कहीं ना कहीं वो ठंडक जो दिखाई दे रही थी लगातार, आज शाह के इस दंगल में, शाह के एंट्री के बाद वो गर्माहट नजर आने लगी है। हमलावर तेवर दिखे हैं, तेवर काफी आक्रामक दिखे हैं, चाहे वो घुसपैठ को लेकर बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर बात हो, चाहे वो यूसीसी को लेकर बात हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बात हो, कई सारी बातें हैं जिनको लेकर आज शाह आक्रामक रहे। शाह की सभा के बाद, अमित शाह की सभा के बाद बरकट्ठा का जनादेश किसी और मुड़ते नजर आ रहा है आपको? देखिए अमित शाह के सभा के बाद निश्चित तौर से जिस तरीके से जो बड़ा जन सैलाब था, एक बड़ी जन समूह की वहां पर जुटान हुई थी, चाहे पंडाल के भीतर हो या बाहर हो, ये इशारा कर रहा है कि निश्चित तौर से आज जितने लोग वहां पे मौजूद थे और जिस तरीके से लोग अमित शाह के साथ जयकारे लगा रहे थे, हुंकार भर रहे थे, जब अमित शाह ने कहा कि क्या आप परिवर्तन को तैयार है, तो जो गूंज उठी है उस मैदान से, उस पंडाल से, उस भीड़ से, ये कहीं ना कहीं एक इशारा कर रहा है कि वहां की जनता इस बार बदलाव के मूड में तो आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो कमल के साथ अगर आगे बढ़ने की बात होगी तो आज का यह मिजाज बता रहा है कि भरकट्टा की जो रैली हुई है उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। वो ऊर्जा वोट में कितनी तब्दील हो पाती है और ऊर्जा का फायदा भारतीय जनता पार्टी को कितना मिल पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज जिस तरीके से कार्यकर्ता हो या आम जनता हो या पब्लिक हो, जिन्होंने साफ की आवाज से आवाज मिलाया है और जिस तरीके से जो हुंकार भरी है, बदलाव परिवर्तन की जो आवाज को उन्होंने बुलंद किया है, निश्चित तौर से इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उस इलाके में आज उन्होंने बड़ी लीड ली है इस सभा के जरिए। और जो अमित शाह है वो चाणक्य कहे जाते हैं, उन्हें पता है कि जनता किस दर्द में है और किस परेशानियों को झेल रही है और क्या बोलना है और क्या जनता के मन मिजाज में है, वो बात उन्होंने उस मुख्य स्टेज से कहा और वो बातें सीधे जनता के दिल में घर कर गई है। और उसी तरीके से उन्होंने साफ कहा कि अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो, और ये परिवर्तन का वक्त है, तो बिना परिवर्तन के झारखंड में विकास की गाड़ी को पटरी पर नहीं लाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सीधा विकास है झारखंड तक पहुंचे, तो यहाँ पर बदलाव जरूरी है और उस बदलाव की बयार में हम यहाँ मौजूद हैं। और लोगों ने उनके साथ जो सुर में सुर मिलाया, जिस तरीके से जयकारा लगाया है, ये किस और इशारा कर रहे हैं ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी जनता के मन मिजाज में क्या है ये आने वाला वक्त बताएगा अभिषेक। लेकिन आज की सभा ये वैसे भी आने वाला वक्त बताएगा श्रीकांत, हम लोग उसको
अगर कुछ हद तक समझ भी जाएं, लोग हमारे सामने बोल भी दे तो हम खुलकर नहीं बता सकते। ये फिलहाल उचित नहीं आचार संहिता के दौरान कि हम अपनी बातें खोलें, लोगों की बातें लोगों तक पहुंचाएं कि कहां क्या मन मिजाज बन रहा है। लेकिन इतना तय है कि अमित शाह के आज की एंट्री के बाद झारखंड का चुनावी दंगल दिलचस्प हो गया है। बहुत धन्यवाद श्रीकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश और अजय लाल भी जुड़े हुए हैं। पहले राकेश का रुख कर लेते हैं एक बार। अजय आप बने रहिएगा हमारे साथ। राकेश लोकेशन क्या है इस वक्त आपकी, क्योंकि आपके जिम में बड़ी जिम्मेदारी है, लातेहार से लेकर गढ़वा तक का पूरा क्षेत्र आप इस वक्त देख रहे हैं, किस लोकेशन में है, क्या चुनावी ललकार नजर आ रहा वहां पर? अभिषेक फिलहाल मैं गढ़वा में मौजूद हूं और गढ़वा चूंकि कल का इंतजार कर रहा है, कल देश के प्रधानमंत्री गढ़वा में चुनावी सभा करेंगे और देश के इतिहास में यह पहला ऐसा मौका होगा जो किसी प्रधानमंत्री जो है वो गढ़वा पहुंचेंगे। तो गढ़वा इंतजार कर रहा है, गढ़वा स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहा है अपने देश के प्रधानमंत्री का। तो अब ये देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, तकरीबन 11:30 बजे का समय निर्धारित है उनके आने का, और ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि प्रधानमंत्री का ये जो चुनावी सभा जिसकी शुरुआत वो गढ़वा से करने वाले हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आमतौर पर प्रधानमंत्री ने जब भी यहाँ कार्यक्रम किया है वो डाल्टनगंज में ही कार्यक्रम हुआ है, लेकिन इस बार गढ़वा का चयन किया गया है। जाहिर तौर पर एक बड़ा मैसेज यहाँ से देने की कोशिश है बीजेपी की। अब वो मैसेज क्या जाता है प्रधानमंत्री के तरफ से, इसको लेकर पूरा गढ़वा जो है वो इंतज़ार कर रहा है। अभिषेक बिल्कुल वो मैसेज क्या जाता है राकेश, देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि आज अमित शाह की एंट्री के बाद जो मैं बात कर रहा था आपसे, अभी आपने भी सुना, अमित शाह की एंट्री के बाद जिस तरीके से माहौल में जो गर्माहट आ रही है, देखिए अजय जी भी चाय पी रहे हैं, ठंड उनको लग रही है, माहौल में जो गर्माहट आ रही है कल प्रधानमंत्री के आने के बाद वो और भी ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश दिखाई दे रही है। लेकिन अजय जी आप तब तक चाय पिए, राकेश से एक आध सवाल और ले लेता हूं। राकेश गढ़वा की राजनीति कहीं ना कहीं मिथिलेश ठाकुर, सत्येंद्र नाथ तिवारी और गिरिराज सिंह, इन तीनों के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे में पीएम मोदी की सभा गढ़वा का चुनाव करना, विशेष तौर पर जो आपने कहा कि हमेशा डाल्टनगंज तक ही रहते थे, इस बार गढ़वा तक पहुंची है, और आज बीजेपी के कुछ बड़े चेहरे, एक दो झटके भी बीजेपी को लगने वाले हैं जो लोग की पार्टी छोड़कर अब जेएमएम में शामिल हो रहे हैं, मोदी का वहां पहुंचना और कल जो मोदी की सभा है, निश्चित तौर पर आज संकल्प पत्र जारी हुआ है और कल मोदी की सभा है तो संकल्प पत्र पर ही बोला जाएगा घुसपैठ और भ्रष्टाचार एक बार फिर गढ़वा में निशाने पर होंगे पीएम के। नहीं बिल्कुल, देखिए चुनावी सभा है, जाहिर तौर पर इसी तरीके की उम्मीद करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के भाषण में घुसपैठ का जिक्र होगा, प्रधानमंत्री के भाषण में भ्रष्टाचार पर हमला होगा। तो उसको लेकर अब प्रधानमंत्री का अप्रोच क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन देखिए पूरा जो पलामू प्रमंडल है अभिषेक, उसको समझना होगा। 9 सीटें यहाँ आती हैं और 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पलामू प्रमंडल में बीजेपी जो है वो हमेशा से ही मजबूत रही है, और इस बार भी जो चेहरे हैं वही पुराने चेहरे हैं और उनके बीच ही ये मुकाबला है। तो पलामू में बीजेपी पहले से मजबूत है और प्रधानमंत्री के दौरे के बाद उम्मीद करनी चाहिए कि बीजेपी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो फ्रंट लाइन के हैं, जो आखिरी पायदान में जो नेता रहते हैं, उनमें एक नया जोश आएगा, उनमें एक नई एनर्जी आएगी, और जाहिर तौर पर ये एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन को लेकर होगा। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि प्रधानमंत्री क्या कुछ कर कहते हैं, उनका जो भाषण होगा वो काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण होगा कि वो किन चीज़ों को ज़्यादा एड्रेस करते हैं। हालांकि आज ही आपने देखा होगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और काफ़ी हद तक एनर्जी भरने की कोशिश उन्होंने की। फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के और प्रधानमंत्री भी उसी तरीके का भाषण देते हैं आमतौर पर चुनाव में, क्योंकि ये उस आपने देखा होगा इससे पहले भी जब भी वो चुनाव में आए हैं, चाहे लोकसभा चुनाव की बात कर ले या विधानसभा के चुनाव की बात कर ले, तो आक्रामक तेवर प्रधानमंत्री का भी रहता है, खासतौर पर भ्रष्टाचार को लेकर। तो इस बार भी उम्मीद करनी चाहिए कि भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री का जो तेवर होगा वो आक्रामक होगा, और कोशिश यही होगी कि कार्यकर्ताओं में, वोटरों में एक उत्साह भरा जाए, एक एनर्जी भरा जाए। अभिषेक बिल्कुल राकेश बने रहिएगा हमारे साथ। राकेश अजय लाल भी जुड़े हुए हैं चतरा से। अजय एक बड़ी बात अमित शाह ने आज कही है, 2005 से 2014 तक केंद्र की सरकार से झारखंड को 84,000 करोड़ रुपए मिले और 2014 से लेकर 2024 तक
3,20,000 करोड़ से ऊपर की रकम मिली है, तो इतनी रकम मिलने के बाद भी केंद्रीय योजनाओं का जिस तरीके से झारखंड में हाल दिखाई दे रहा है, पीएम आवास योजना को लेकर भी शिकायतें हैं, आयुष्मान कार्ड को लेकर भी शिकायतें राज्य सरकार करती रही है, आरोप लगता रहा है कि केंद्र पैसे नहीं देता है, केंद्र भुगतान नहीं करता है, पैसे तो 3 गुना ज्यादा दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा इन पैसे, ये पैसे कहां गए अजय? अभिषेक, आज की तारीख में आप किसी स्वतंत्र एजेंसी से हर घर नल योजना की मूल्यांकन करवा लीजिए, आपको पूरी हकीकत सामने आ जाएगी कि पैसा गया कहां। आज सिमरिया की सभा में अमित शाह ने सीधे लोगों से पूछा कि क्या आपने 350 करोड़ रुपया देखा क्या एक बार में? लोगों ने कहा नहीं देखा, कहा कि इस सरकार ने देखा है, इस सरकार के मंत्री ने देखा है, इस सरकार के सांसदों ने देखा है, और खूब तालियां बजी। फिर अमित शाह ने कहा कि मैं इटखोरी में माता भद्रकाली मंदिर के विकास के लिए पैसा भेजा था केंद्र से, कुछ विकास हुआ क्या, एक सीढ़ी भी बनी क्या? लोगों ने कहा नहीं। देखिए, होता यह है कि पॉलिटिक्स में अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा डिफेंसिव मोड में आ गई है, सारा दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंता बी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश, अर्जुन मुंडा, उसके बाद अमित शाह सारा दिन यज्ञ करते रहते हैं, और शाम में 4:30 बजे सुप्रियो भट्टाचार्य उद्यापन करते हैं, समापन, यानी कि उनके बोलने के बाद। आपको सीधे सीधे अब तो यह भी कहा जा रहा है कि एक बड़े होटल में घोषणा पत्र जारी हुई, लोगों को बुलाया गया, बड़े बड़े अच्छे अच्छे खाने खिलाए गए। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा यह विश्वास करती है कि अमित शाह रांची के पहलवान होटल में जाकर घोषणा पत्र जारी करें? आप हेलीकॉप्टर से घूमे तो बहुत अच्छा, आपके लोग होटल में ठहरे तो बहुत अच्छा। देखिए, विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। यदि केंद्र ने कहा है कि पैसे हमने दिया है, आप अगले दिन मीडिया को बुलाइए और कहिए कि ये पैसा आया था और ये पैसा हमने खर्च किया। ये देखिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, कई योजनाओं के सर्टिफिकेट नहीं गए, मिड डे मील का पैसा रुक गया। इसी न्यूज 11 ने खबर दिखाई थी कि कैसे मिड डे मील की रिपोर्ट नहीं गई केंद्र के पास, पैसे रोकने पड़े। उसके बाद जो स्कूली ड्रेस के लिए पैसे आते हैं, कई प्रकार के सर्व शिक्षा अभियान के लिए, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि केंद्र सरकार को तो छोड़िए, इस सरकार के कई जिलों ने रिपोर्ट नहीं भेजी रांची को कि पैसे गए कहां, और जो सर्व शिक्षा अभियान का जो पैसे का बजट है वो सीधे संसद में रखा जाता है, उसकी ऑडिट संसद में होती है, लेकिन कहीं कोई चूर नहीं। आरोप के लिए आप लोग आरोप लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंटेंट वाइज आपको बोलना चाहिए कि हाँ, आपको पैसे मिले तो हमने ये खर्च कर दिया। सिर्फ ये कह देना, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते हैं कि मैं तो धन्यवाद देता हूं सर भगवान को कि 1,36,000 करोड़ रुपया दे दिया होता तो हो सकता है 750 करोड़ रुपया मिलते लोगों के यहां। आलमगीर आलम का नाम दो बार अमित शाह ने लिया कि क्या आलमगीर आलम के पास इतने पैसे उनके मेहनत की कमाई के हैं? क्या पसीने की बूंदे छलका कर आलमगीर आलम ने पैसे कमाए थे? जाहिर सी बात है, इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए सरकार को कि करते हैं अजय लाल का। अजय हमारे साथ जुड़े हुए थे। अजय, ये एक और बड़ी खबर अभी आ गई है, फायर ब्रांड नेता आज अमित शाह आकर गए हैं, कल नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और 5 नवंबर को योगी आदित्यनाथ। मतलब पूरी तरीके से जो अभी आपने कहा कि दिन भर यज्ञ करते हैं और शाम में 4:30 बजे सुप्रियो भट्टाचार्य पे उद्यापन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो आखिर बेचारे सुप्रियो भट्टाचार्य कितनी जिम्मेदारी निभाएंगे? अब तो एक से एक फायर ब्रांड नेता है, भ्रष्टाचार पर खुलकर वार करने और घुसपैठियों को सबक सिखाने के मुद्दे पर भाजपा और एनडीए चुनाव लड़ने के मूड में है। जय, मैं उसी बात का जिक्र करा था अभिषेक आपसे कि विरोध कंटेंट वाइज होना चाहिए। ये कैसे आप कह सकते हैं, आपके सरकार के आपके जिलों के डीसी ने कह दिया कि एक भी घुसपैठिया इस राज्य में नहीं है? मैं तो कई बार बोल चुका हूं कि पाकुड़ साहेबगंज छोड़ दीजिए,
आप रांची के कई मोहल्लों का नाम कोई भी आके हमसे पूछ ले, मैं रांची में ही रहता हूँ, कि कहाँ कहाँ घुसपैठिया है और किस वेश में काम कर रहा है। यदि रांची शहर के 3-4-5 बड़े अपार्टमेंट में रंगाई पुताई करने वालों का आप आधार कार्ड से पूछ लें कि आपका आधार कार्ड कहाँ का है, मैं चुनौती दे रहा हूँ कि उसमें से 10 में से 4 लोग बांग्लादेश के लोग निकलेंगे। और ये मैं निजी अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। सवाल ये है कि चुनाव के दौरान कई बार लोगों को भरमाने की कोशिश होती है और इस कदर भरमाने की कोशिश होती है कि 1,36,000 करोड़ रुपया दिया क्या, लेकर करते क्या, जो दिया उसका क्या किया आपने, कौन सी ऐसी योजना बना दी आपने इस सरकार इस राज्य में जिसको देख के हम और आप कलेजा चौड़ा कर सकते हैं कि केंद्र ने पैसे दिए थे, देखिए हमने ये कर दिया। और आपको बिल्कुल अजय, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो गया है। अजय बहुत धन्यवाद आपका। ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर आप 1,36,000 करोड़ मांग रहे हैं और केंद्र कहता है 3,20,000 करोड़ दिए, और उसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी 2005 से 2014 तक तो महज 84,000 करोड़ मिले थे, उसका 3 गुना मिला, और आप कोविड का रोना रो रहे हैं, सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, जबकि आपके नेताओं की संपत्ति, सरकार में शामिल नेताओं की संपत्ति 2-3 गुनी होती जा रही है। कैसे हो पा रहा है ये सब कुछ? बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। एक बार राकेश का रुख कर लीजिए। राकेश, एक आखिरी सवाल आपसे, कम शब्दों में जवाब दे दीजिएगा। बड़ी सभाएं हो रही हैं, बड़े चेहरे जो बड़े नाम है बीजेपी के वो लोग आ रहे हैं, चाहे अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, अब योगी आदित्यनाथ की सभा भी 5 तारीख को हो गई है। जो भी झारखंड आ रहा है, हर घर नल जल जीवन पर बात कर रहा है, योजना पर बात कर रहा है, भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, तार सीधे मिथिलेश ठाकुर से जुड़े हुए हैं। इस वक्त आप गढ़वा में हैं, मिथिलेश ठाकुर के भाई के यहाँ छापामारी होती है, उनके पीएस के यहाँ, ओएसडी के यहाँ, कई स्कोटिव इंजीनियरों के यहाँ छापामारी होती है। हालांकि रिकवरी क्या हुई है, लेकिन सम्मन इन लोगों को कर दिया गया है। और बड़े चेहरों का यह दावा है कि हर घर नल योजना में भारी बंदरबांट हुआ है, भारी घोटाला हुआ है, लोगों जनता का पैसा खा गए हैं। आपसे जो सवाल है, जल जीवन मिशन को लेकर लगातार बीजेपी के और एनडीए के कद्दावर नेता आक्रामक है। राकेश नहीं, बिल्कुल, देखिए आप तमाम सभाओं को अगर देखिए, अभिषेक चाहे वो अमित शाह की सभा हो या दूसरे बड़े नेताओं की सभा हो बीजेपी की, ये प्रदेश स्तर के जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन के सभाओं में इसको लेकर सबसे ज़्यादा हमला बोला जा रहा है। और ये बहुत फैक्ट भी है कि इसमें वित्तीय स्तर पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जिसकी जांच ईडी कर रही है और स्थानीय स्तर पर भी इसकी जांच चल रही है। इसके जद में आपने देखा होगा कि कई बड़े अधिकारी भी इस विभाग के शामिल हैं। इसके अलावा जो स्थानीय यहां के जो विधायक हैं, सरकार में जो मंत्री हैं, उनके भाई भी निशाने पर हैं ईडी की, बकायदा उनको सम्मन भी किया गया है। तो जाहिर तौर पर इस पूरे जो योजना है केंद्र सरकार की, और एक टाइम फ्रेम दिया गया था कि इस योजना को झारखंड में उस टाइम फ्रेम के अंदर में पूरा किया जाए, लेकिन राज्य सरकार ने इसको लेकर केंद्र सरकार से एक्सटेंशन मांगा, उसके बावजूद भी योजना पूरी नहीं हुई। और योजना को लेकर आए दिन इस तरह की खबरें निकलती रही, आती रही कि इसमें वित्तीय अनियमितता लगातार होती रही है, बैंकों से पैसे निकाल लिए गए। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसकी जांच ईडी कर रही है। अब ये देखना होगा कि ईडी की जांच में क्या कुछ निकलता है, कौन कौन ईडी के जद में आते हैं, अभिषेक कौन कौन ईडी के जद में आते हैं। और एक तरफ अभी मिथिलेश ठाकुर साहब चुनाव में है, बड़े कद्दावर रहता है झामुमो के, और दूसरी तरफ ये ईडी का समन जा रहा है, कहीं ना कहीं इंजीनियर को जा रहा है और उनके भाई को जा रहा है। तो जो हालात दिख रहे हैं विभागीय, जो हालात है, आलमगीर आलम साहब जेल में, 35 करोड़ रुपए की नकद रिकवरी हुई है, चुनाव में एक मनोवैज्ञानिक दबाव कहीं ना कहीं बन जाता है और जनता के बीच भी एक मैसेज जाता है कि जिसको जिताकर उन्होंने भेजा, जिसको मंत्री का पद मिला, आखिर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार तो अब जग जाहिर हो गया है, राष्ट्रीय स्तर पर इस भ्रष्टाचार की का जिक्र होने लगा, इसकी चर्चा होने लगी है। बहुत धन्यवाद राकेश हम तो जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो